बिल्कुल नई स्वादिष्ट हेल्दी बहुत ही टेस्टी रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ लंच बॉक्स की, जिसे आप आटे यानी गेहूं के आटे और बनाना यानी केले की मदद से बना सकते हैं। और ये झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। सुबह के जल्दी में हमें लंच बॉक्स पैक करना होता है बच्चों के लिए, तो ये बच्चे खाने में बहुत ही पसंद करते हैं और हम भी इसे स्नैक में खा सकते हैं। जैसा कि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है रेसिपी, तो हम इसे आज कैसे बनाएं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेना है 1 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा लिया है तो ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा है और बच्चों को अच्छा भी लगेगा। बच्चों के लिए मैदा सही नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है। और 1 पका हुआ केला या बड़ा सा केला है, छोटे केले हो तो आप 2 ले सकते हैं। और 1/2 कप चीनी। तो याद रहे, 1 कप अगर आप आटा ले रहे हैं तो 1/2 कप चीनी और 1 केला, क्योंकि बच्चों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है और हमें भी पसंद होता है, तो इसे हम अपने हाथ की मदद से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्लेवर के लिए कोई भी एसेंस मिला सकते हैं, जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपके बच्चे को पसंद हो। अगर ये एसेंस आपके घर में नहीं है तो आप यहाँ पे इलायची का पाउडर भी मिला सकते हैं, चाहे तो कुछ भी ना मिलाएं। ऐसे ही खाने में बनाना का टेस्ट आएगा और ये टेस्टी लगेगा। तो हमने इसे हाथ से मिला लिया है बहुत अच्छे से। अभी मैं यहाँ पे दूध मिलाऊंगी, और दूध जो हो आपका वो रूम टेम्परेचर का हो। अभी इसे अच्छी तरह से अपने हाथ की मदद से हमें मिला लेना है, और ये थोड़ा स्टिकी सा होता है यानी हाथ में चिपकता है, तो इसे हमें स्टिकी डो ही बनाना है। अभी मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा विनेगर, यानी 1 चम्मच बड़े चम्मच से विनेगर। विनेगर अगर नहीं है तो आप नींबू का जूस भी, नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं, चम्मच से 1 चम्मच। अभी मैं यहाँ पे डालूंगी बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं, 1 छोटे चम्मच से आपको बेकिंग सोडा डालना है। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इसके जगह पे 1 छोटा चम्मच इनो भी डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे डाली हूँ थोड़ा सा ऑयल, ताकि सारे इंग्रेडिएंट जो हमने अभी डाले हैं अच्छे से बाइंड हो जाएं। और आप देख सकते हैं इसका जो अभी डो तैयार हुआ है, ये थोड़ा स्टिकी है यानी हाथ में चिपक रहा है, तो हमें ऐसा ही बनाना है, थोड़ा गीला गीला सा, तभी जो हम अभी बनाएंगे टेस्टी वाला स्नैक वो अच्छा बनकर आएगा, स्पॉन्जी बनकर आएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार का डो आपको बनाना है। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे कढ़ाई लेते हैं और इसमें डालेंगे ऑयल। गैस का फ्लेम हाई कर लें, क्योंकि हमें ऑयल को यानी तेल को अच्छे से गर्म करना है। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, बच्चों के लिए घी बहुत अच्छा होता है, तो हम इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं तेल की जगह। तेल तब तक गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पे हम इसको कुछ शेप दे देते हैं। तो हाथ में पहले मैं ऑयलिंग कर लूँगी, जिससे ये चिपकेगा नहीं, जैसा कि ये बहुत स्टिकी है डो, तो देख सकते हैं आप स्टिकी है ये। इसे हम इस प्रकार से जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपको इसे राउंड राउंड बना लेना है। चाहे आपके बच्चे जैसा शेप पसंद करते हो, आप इसे किसी कुकी कटर से भी कट करके कोई भी शेप दे सकते हैं। वैसे राउंड शेप में बहुत टेस्टी और स्पॉन्जी बनता है, तो आप इस प्रकार इसे हाथ में ऑयल लगाकर ऐसे बना लें। और ये छोटा छोटा स्पॉन्जी सा दिखता है, बहुत प्यारा सा, तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे इसे खा लेते हैं। तो देखिए मैं ऐसे ही करके सारे लोई तैयार कर लूँगी राउंड बॉल्स। तो देखिए अभी तैयार हो गए ये सारे। अभी ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पे पहले छोटा सा एक टुकड़ा डालकर चेक कर लूँगी डो का। तो देखिए यहाँ पे फ्राई हो रहा है, तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे, हमारा आँच बिल्कुल कम कर देंगे। अब इसे सावधानी से निकाल लें, तो हमारा ऑयल अभी रेडी है। अभी इसमें हम सावधानी से, हमने जितने भी अभी बॉल्स तैयार किए हैं डो के, सारे को हम यहाँ पे डाल देंगे, और
फ्लेम को कम करना ना भूलें, नहीं तो ये अंदर से नहीं पकेगा, बाहर से पक जाएगा। और ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तो सुबह की जल्दी में आप इसे आराम से, या शाम की भी जल्दी में आप इसे, जब भी आपको खाने का मन करे आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैं सारे स्टेप्स अच्छे से दिखा रही हूँ। तो देखिए इसे पलट पलट कर आप इसे पका लेंगे, तो आप देख सकते हैं कलर चेंज होने लगा है, यानी हमारा जो ये रेसिपी है, ये जो हमारा बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी बॉल है, ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं, और एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से कलर चेंज हो गया है, यानी अब ये बनकर तैयार हो गया है। तो हम इसे एक छन्नी की मदद से निकाल लेंगे। दोस्तों मैं इसे तोड़ कर आपको दिखाऊंगी ये कितना स्पॉन्जी सा है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो एक टिश्यू पेपर पे इसे डाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो आइए आपको मैं तोड़ कर बताती हूँ, ये बहुत गर्म है, आपने देखा है कितना स्पॉन्जी है, तो इसे आप एक बार जरूर से ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।